नमस्कार दोस्तों। और मैंने एक वीडियो शूट किया था कुछ मतलब कुछ जो गंगा आरती का था, जो कोविड कोविड पैंडेमिक के दौर में जो वो आरती हुई थी, आरती हो रही है अभी भी वैसे ही। तो वो चीज़ दोस्तों मैं शूट किया था एक, और मैं सोच रहा था कि आज अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों मतलब बहुत रिस्क लेके एक प्रकार से वीडियो बनाया हूँ यार। कोविड-19 में मैं गया था वहाँ गंगा आरती देखने, और नॉर्मल तरीके से तो लोग सब आरती देख लेता है, साथ साथ लोग रहते हैं, लेकिन इस समय कैसी आरती हो रही है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है दशाश्वमेध घाट, और अभी मैं मैदागिन पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से मैं पैदल चलूँगा, पैदल मैं थोड़ा शूट करते हुए जाऊँगा, वीडियो हो गया, मार्केट हो गए यहाँ के, तो बहुत सारे चीज़ों को मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में। शाम का समय है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने लोग आ जा रहे हैं, कितना सारा यहाँ गली भरी पड़ी है, देख लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विश्वनाथ मंदिर जो चमक रहा है, और उसके बगल में ज्ञानवती मस्जिद है, जो कि ये वही मस्जिद है जिस मतलब आपको क्या बताऊँ, जो जो पुराना वाला मंदिर था उसको तोड़कर बनाया गया था। तो अभी अभी जैसे कि आपने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद देखा, उसके ठीक पीछे ही दशाश्वमेध घाट है, लेकिन अब उधर से रास्ता नहीं है, नहीं जा सकते। तो क्या है कि हम लोग घूम कर जाते हैं, तो यहाँ से शायद 500 मीटर की दूरी पर है वो, अभी हम लोग जा रहे हैं। और दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा क्लियर क्लियर आपको ज्ञानवापी मस्जिद और दशाश्वमेध घाट मतलब विश्वनाथ मंदिर दिखाया। अंदर कैमरा नहीं अलाउड है, इसीलिए हम अभी शाम को नहीं जा रहे अंदर। लेकिन आपको मेरा पिछला वीडियो है एक, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ मैं बता दिया हूँ ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर सब कुछ के बारे में। तो दोस्तों अभी चलते हैं, गंगा आरती शायद स्टार्ट होने वाला होगा। दोस्तों हम दशाश्वमेध घाट आ चुके हैं, और देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, और अभी चालू नहीं हुआ है। और एक दुखद समाचार भी है दोस्तों कि मतलब 7 लोग पहले आरती करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सजावट को लेखी का हुआ है। अब देखते हैं कितना लोग आरती करते हैं साथ में, और आज कुछ खास भीड़ भी नहीं है जानते ड्यू टू कोरोना वायरस। और लाइटिंग थोड़ा देख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा कम कम है, जैसे ही आरती स्टार्ट होने वाला होगा मैं रिकॉर्ड करूँगा, आप देख सकते हैं कि पूरा आरती रहेगा इसमें। तो दोस्तों अभी गंगा आरती स्टार्ट होने वाला है, और अब देख सकते हैं कि पहले से बहुत कम भीड़ लगी हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस। और आप मैं इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ, पीछे देख सकते हैं बहुत कम भीड़ है, यहाँ तो जगह भी नहीं मिलती खड़ा होने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आराम से दूरियाँ बना के खड़े हैं। और दोस्तों एक छोटा सा इसमें वो है कि आज एक ही लोग केवल आरती करेंगे,
क्योंकि 7 लोगों को यहाँ आरती कराया जाता है। नॉर्मली आप 7 देख सकते हैं मठ बने हुए हैं, लेकिन केवल 1 लोग आरती करेंगे आज। और दोस्तों आज उसी से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। सेम होता है, 7 लोग सेम करते हैं, बस यहाँ पर ये रहेगा कि 1 लोग बस करेंगे वही चीज़ द्वारा का 7 लोग सेम करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और देखते हैं फिर कभी दोस्तों, अभी तो फिर जब तक कोरोना नहीं यही से हालत होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी जो आरती स्टार्ट होगा।